आर्यन खान को लेकर कंगना रनौत ने शाहरुख खान पर कसा तीखा तंज। कंगना ने बिना शाहरुख खान का नाम लिए साधा उन पर निशाना। फैंस को याद दिलाया कि जैकी चैन ने बेटे के ड्रग्स लेने के बाद माफी मांगी थी। क्या कंगना ये कहना चाहती है कि शाहरुख खान भी माफी मांग ले? पंगा क्वीन कंगना रनौत सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। कंगना बॉलीवुड के अलावा भी अन्य मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। इस बार कंगना ने आर्यन खान को लेकर जैकी चैन का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए शाहरुख खान पर तंज कसा है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार हॉलीवुड एक्टर जैकी चैन ने बेटे के ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद 2014 में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी। कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जैकी चैन और उनके बेटे की एक तस्वीर शेयर की। इस फोटो पर लिखा है, जैकी चैन ने आधिकारिक तौर पर माफी मांगी थी जब उनके बेटे को 2014 में ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा था, मुझे बेटे की हरकत पर शर्म आती है, ये मेरी नाकामी है और मैं उसकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप नहीं करूंगा। और इसके बाद उनके बेटे को 6 महीने की जेल हुई। इस फोटो के नीचे कंगना ने लिखा, #justsaying। कंगना की ये इंस्टाग्राम स्टोरी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोगों का कहना है कि कंगना रनौत ने शाहरुख खान पर आर्यन केस को लेकर बिना नाम लिए इनडायरेक्टली निशाना साधा है। वेल, कंगना ने जस्ट सेइंग कहकर अपनी बात तो रख दी। ड्रग्स केस में आर्यन खान जुडिशियल कस्टडी में है, वो मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। आर्यन के इन्वॉल्वमेंट को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। वहाँ शाहरुख खान मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कई नामी गिरामी हस्तियां शाहरुख और आर्यन के सपोर्ट में उतर आए हैं। इस केस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल कंगना के इस वायरल पोस्ट पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।